नूह विधायक व पूर्व परिवहन मंत्री आफताब अहमद ने नूह जिला मुख्यालय के सामान्य बस अड्डा रैन बसेरा अटल किसान मजदूर कैंटीन तथा श्रम विभाग की अंत्योदय आहार योजना की कैंटीन में औचक निरीक्षण किया। विधायक नूह ने सबसे पहले रेड क्रॉस के द्वारा चलाए जा रहे रैन बसेरे में पहुंचे। वहां उन्होंने रैन बसेरे की सुविधाओं का जायजा लिया तथा इसके बाद सामान्य बस अड्डे में वहां पर बैठे यात्रियों से बातचीत की तथा वहां के स्टाफ से बसों के बारे में जानकारी ली। वहीं लोगों ने भी बसों की कमी के बारे में पूर्व परिवहन मंत्री को बताया। इसके बाद आफताब अहमद नई अनाज मंडी में चल रही अटल किसान कैंटीन पहुँचे, लेकिन अटल किसान कैंटीन सीजन के हिसाब से चलती है। वो कैंटीन बंद मिली तो वहां पर मौजूद मार्केटिंग बोर्ड के कर्मचारी से उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि यह कैंटीन सिर्फ गेहूं, सरसों, धान के सीजन में ही चलाई जाती है, जिससे यहां आने वाले किसानों को भोजन मिल सके। इसके बाद विधायक आफताब अहमद श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही अंत्योदय आहार योजना की कैंटीन पर पहुंचे। वहां उन्होंने कैंटीन का जायजा लिया तथा वहां काम करने वाली महिलाओं से बातचीत की तथा रसोई में जाकर लोगों के लिए बनने वाले भोजन को भी देखा तथा इसके बाद उन्होंने काम करने वाली महिलाओं बातचीत की तथा बनने वाले भोजन के बारे में भी जानकारी ली। आफताब अहमद ने जिला मुख्यालय पर चार जगह निरीक्षण करने के बाद कहा कि आज जिला प्रशासन व सरकार द्वारा चलाई जा रही लोगों की सुविधाओं के लिए उनका निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेवारी बनती है कि प्रशासन व सरकार द्वारा लोगों के लिए चलाई जा रही योजना व सुविधाओं का निरीक्षण करे। इसी उद्देश्य से आज सभी जगह का निरीक्षण किया गया है। आज क्योंकि अत्यधिक सर्दी है, इसलिए सबसे पहले हमने जो ज़िला प्रशासन की तरफ से रैन बसेरा की जो सुविधा सुलभ शौचालय बस अड्डा नूह में जो संचालित कर रखी है उसका निरीक्षण करके और उसकी व्यवस्थाओं को देखा, उसका आकलन किया। और उसी तरीके से बस स्टैंड पे हमने यात्रियों से मुलाकात करके उनकी क्या जायज है, बात है, क्या सुविधाएं उन्हें सही मिल रही है नहीं मिल रही, स्टाफ से भी बात करी। उसमें पता लगा कि बसों की कमी है, सिर्फ दो ही बस बड़ी हैं, तो कई रूटों पे अभी भी ज़्यादा बसें चलाने की मांग भी यात्रियों ने करी। इसी तरीके से हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संचालित जो उनकी अपनी एक अटल कैंटीन के नाम से जो उनकी योजना थी उसका भी निरीक्षण किया, जो उन्होंने बताया कि वो सीजनल है, जब किसान आते हैं तो फिलहाल तौर पे वो बंद है। और यहाँ लेबर बोर्ड द्वारा जो है, एक श्रम विभाग द्वारा यहाँ 10 रुपये में गरीब को, असहाय को और जो है मजदूर को भोजन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का भी हमने आज निरीक्षण किया, क्योंकि पीछे एक बैठक हुई थी तो हमने उसमें अपनी जानकारी ली थी, तो उसमें बताया गया था यहाँ चल रही है, तो हमने यहाँ पाया कि 200 के करीब गरीब मजदूर और जो लोग हैं वो यहाँ भोजन की व्यवस्था करते हैं, जिन्हें यहाँ का महिला स्टाफ है पूरा जो यहाँ उनका व्यवस्था करता है और जो संचालित करता है। मैं यही कहूँगा कि हमारी जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी और सरकारी विभागों की जिम्मेवारी है कि ऐसे सर्दी के समय में जो जो सुविधाएं उनके जुम्मे हैं उनकी बेहतर देखरेख करें, उन सुविधाओं को उनको पूर्ण तरीके से करें, और जो अगर कोई लापरवाही हो रही है, कहीं उसमें कोई कमी हो रही है, तो उसके लिए हम सरकार से भी और अधिकारियों से भी बात करेंगे और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी तरह की लोगों को असुविधा हो, लोगों को जो सुविधा दी जानी चाहिए उनमें कोई कमी हो, उनमें किसी तरह की खलल हो। इस बात के लिए आज ये नूह शहर में हमने जगह जगह सरकारी जो सेवाएं चल रही हैं उनका निरीक्षण करके, उनका दौरा करके, और जहां जहां हमें अच्छा लगा हमने वहां प्रोत्साहन उन कर्मचारियों का भी किया, जिससे कि जो छोटी मोटी कमी थी हम अपने तौर पर अपने साथियों से मिल के हम उनको अपने तौर पर कराएंगे। सारी चीज़ें हम भी नहीं चाहते कि जो है उस चीज़ के लिए वो जो सुविधा मिलनी चाहिए उसके लिए फिर सरकारी या कोई जो है परमिशन की ज़रूरत हो, जिससे कि लोगों को बेहतर ज़िंदगी यापन करने का और ऐसी जगह जो सुविधाएं हैं वहां उन सुविधाओं को पूर्ण तरीके से हासिल हो बिना किसी तकलीफ के और बेहतर से बेहतर हो, यही हमारी शुभकामनाएँ हैं। और इसी उद्देश्य से आज के ये जो है निरीक्षण